प्रेरणा कथा। परोपकाराय पुण्याय भवति। परोपकार करने से पुण्य होता है। एक समय में एक बहुत ही उदार राजा थे। वे हमेशा अपनी प्रजा के हित के बारे में ही सोचते थे। कर्मठ स्वभाव के राजा ने अपना सुख ऐश आराम और धन संपदा सब कुछ जनता को समर्पित कर दिया था। वो दिन रात जन कल्याण में ही लगे रहते थे। यहां तक के उनके पास पूजा पाठ के लिए भी समय नहीं होता था। एक दिन सुबह सुबह राजा अपने राजवन में भ्रमण कर रहे थे। अचानक उनको एक देव ने दर्शन दिए। राजा ने आदर पूर्वक झुककर उस देव को प्रणाम किया और उनका स्वागत किया। देव के हाथ में एक बहुत बड़ी पुस्तक थी। राजा ने उस देव से कहा, महाराज ये आपके हाथ में क्या है? देव ने राजा को कहा, राजन ये हमारा बही खाता है। इसमें हम सब पूजा पाठ करने वालों के नाम लिखते हैं। राजा ने उत्सुक होते हुए कहा, प्रभु कृपया देखिए कि इस पुस्तक में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। देव ने उस पुस्तक के सभी पन्ने पलट दिए पर राजा का नाम कहीं भी नहीं लिखा। राजा ने जब देखा कि देव चिंतित मुद्रा में थे तो राजा ने कहा, महाराज इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, मेरे पास पूजा पाठ करने के लिए समय ही नहीं होता, इसी कारण से मेरा नाम इस पुस्तक में नहीं है। महल में वापस आते हुए राजा को आत्मग्लानी का आभास हुआ। वो इसको नजरअंदाज करते हुए फिर से जन कल्याण के कार्यों में लग गए। कुछ दिन बाद राजा एक दिन फिर अपने वन में टहल रहे थे। देव महाराज फिर से प्रकट हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक किताब थी पर इसका रंग और आकार पहले की पुस्तक से भिन्न था। यह पुस्तक बहुत छोटी सी थी। राजा ने देव महाराज को प्रणाम किया और कहा, महाराज इस बार ये कौन सी पुस्तक है आपके हाथों में? देव महाराज ने कहा, यह बहुत विशेष पुस्तक है। इस पुस्तक में उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो ईश्वर को अधिक प्रिय है। राजा ने उत्सुक होते हुए कहा, निश्चय ही वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिनके नाम इस किताब में हैं। महाराज क्या इस किताब में इस राज्य के किसी व्यक्ति का भी नाम है? देव ने किताब को खोलकर देखा और कहा, राजन यहां तो सबसे पहले पृष्ठ पर ही आपका नाम लिखा हुआ है। राजा चकित हो गए और बोले, महाराज मेरा नाम इस किताब में कैसे हो सकता है? मैं तो पूजा पाठ भी नहीं करता और कभी कभी ही मंदिर जाता हूं। देव ने कहना शुरू किया, राजन आपको चकित होने की जरूरत नहीं है। जो लोग निस्वार्थ होकर लोगों की सेवा करते हैं और अपना जीवन औरों के कल्याण में लगा देते हैं वो प्रभु के नजदीक होते हैं। आप जैसे लोगों की पूजा तो आपका कर्म है राजन। आपने अपने संपूर्ण जीवन बिना किसी लाभ के जनता की सेवा की है और अभी भी आप अपना सारा समय जन कल्याण को ही देते हैं। आपकी ये परोपकार से भरी हुई निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी पूजा और उपासना से ऊपर है। देव ने वेदों का उदाहरण देते हुए कहा, कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो
तो कर्म बंधन में लिप्त हो जाओगे। राजन, भगवान दीन दयालु हैं, उन्हें खुशामद नहीं भाती बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधन करो, अनाथ विधवा किसान व निर्धन आज अत्याचारियों से सताए जाते हैं, इनकी यथाशक्ति सहायता और सेवा करो और यही परम भक्ति है। राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और अब राजा भी समझ गया कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं और जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। मित्रों, बहुत से लोग अपने जीवन का बहुत सा समय पूजा पाठ और अन्य आडंबरों में लगा देते हैं, पर वो गरीब निर्बल और असहाय लोगों के लिए कुछ भी नहीं करते। ऐसे लोग मंदिरों मस्जिदों और अन्य देवस्थानों पर बहुत सी धन संपदा दान में देते हैं, पर शायद ही कभी किसी गरीब को रोटी खिलाते हैं। पर जो लोग मानव सेवा में लग जाते हैं प्रभु हर समय उनके साथ रहते हैं। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है परोपकाराय पुण्याय भवति, अर्थात दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को ही पूजा समझकर कर्म करना, परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और जब आप भी ऐसा करेंगे तो स्वतः ही आप ईश्वर के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाएंगे। किसी गरीब को पेट भर खाना खिलाना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी असहाय का सहारा बन जाना, किसी अंधे को राह दिखा देना, किसी गर्ते को उठा लेना और किसी अशिक्षित को शिक्षित बना देना ही सत्य कर्म कहलाते हैं। यदि आप ऐसे ही काम बिना किसी स्वार्थ के करते हैं तो यकीन मानिए आप प्रभु के प्रियजन हैं, आपको अन्य पूजा की जरूरत नहीं है। ध्यान से सोचिएगा कि क्या आपका नाम प्रभु की किताब में हो सकता है। यदि हां तो आपको बहुत बहुत बधाई है और नमन है आपके कर्मों को, और अगर नहीं तो कोशिश कीजिए कि नाम उस किताब में आ जाए। ये जीवन बहुत छोटा है, कुछ प्रयास करके देखिए, अपने जीवन का कुछ समय औरों की सेवा में लगाकर देखिए। आपके पास जो कुछ भी है, धन ज्ञान संपदा श्रम, जो चाहे दे सकते हैं, लेकिन उसके बदले में कुछ प्राप्त करने की चाहना मत करिएगा। यही तो जीवन है, अपने लिए तो सभी जी लेते हैं, थोड़ा सा औरों के लिए भी जीकर तो देखिए। कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।